हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। लेक्चर 1 अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये बताया है कि इस प्लेलिस्ट ट्यूटोरियल में मैं किस चीज़ के ऊपर काम करने वाला हूँ और क्या क्या टूल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये मेरा देखिए डेस्कटॉप दिख रहा है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपने अपाची नेटबीन्स को खोल रखा हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास अपाची नेटबीन्स नहीं है तो आप अपने लैपटॉप में उसे इंस्टॉल कर लें। कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं आप उसमें उसको इंस्टॉल कर लें। मैं ऑलरेडी अपना चैट रूम बना रखा था, जो जिसको कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को रन करा के दिखाया था, और उसके सोर्स कोड जो है वो यहाँ पर है, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं। क्लियर? ये मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, मैं आप लोगों को फ्रेश बना के दिखाऊंगा पूरा। ये फाइल्स है index.jsp, जो कि मेरा लैंडिंग पेज है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आज की क्लास में हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे। क्लियर? बाकी ये सब जो फंक्शनैलिटी के पेजेस हैं, लाइक लोड मैसेज, सेंड मैसेज, क्रिएट रूम, चैट रूम एंड बिल्ड रूम नहीं है यहाँ पर। मैंने वो कुछ काम के लिए बनाया था बट मैं यूज़ नहीं किया। और उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। क्लियर? तो अगर आपने ये इस तरह से आपने अपना नेटबिंस खोल रखा है, अब आप जब पहली बार खोलेंगे तो वो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। और ये सारी चीज़ें जो टैब्स हैं आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। अगर ये आपको नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ जाके टूल्स में से आप ये जो है, एक सेकेंड, विंडो, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं दिखता है, अगर यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप ओपन करते हैं वो मिस हो जाता है, अगर आप बिगनर हैं तो इस सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे बिगनिंग में। क्लियर? और दूसरा काम, आप प्रोजेक्ट तो हो गया, ठीक है, सर्विसेज में जाने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, अपने सर्वर को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो सर्वर है यहाँ पर जाके राइट क्लिक करिएगा, प्लस पे क्लिक करिएगा, सॉरी, और देखिएगा कि यहाँ पे कोई सर्वर सर्वर ऐड है कि नहीं है। अगर नहीं ऐड है तो आप यहाँ से ऐड सर्वर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है, ऑन करना है। देखिए मेरा ऑलरेडी ऑन है, मैंने पहले से ऑन कर रखा है। ऑन जब कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्ले बटन की तरह यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, नहीं तो एक घड़ी की तरह, घड़ी मतलब वो जो टाइम वाला होता है ना, जो ऊपर से बालू नीचे की तरफ गिरता रहता है, उस तरह का एक आइकन रहेगा। क्लियर? और डेटाबेस में जाइएगा और देख लीजिएगा कि आपका MySQL सर्वर जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए मेरा यहाँ पे डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे बताऊँगा कि इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर नेटबीन्स में स्टूडेंट फेस करते हैं, बिगनर्स लोग फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ, और फिर इसको अपने अपने तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होता है। क्लियर? तो मैंने अपना डेटाबेस कहाँ पे बनाया है, वो है मेरा ये डेटाबेस, देखिए माई चैट डेटाबेस। यहाँ पर मैंने दो टेबल बनाए हैं, योर मैसेज, योर रूम, तो ये दो टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो ये सारे काम हम लोग करने वाले हैं और एक एक करके करेंगे हम लोग, ठीक है, ऑर्डर में। तो सबसे पहला काम, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सारे काम कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने वैम सर्वर को चला लीजिएगा। तो मेरा वैम सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ग्लास फिश सर्वर, वैम सर्वर, दो दो सर्वर का सर क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ग्लास फिश सर्वर जो है वो बेसिकली आपके JSP के प्रोग्राम को, सर्वलेट के प्रोग्राम को रन कराने में काम आता है, ठीक है। मतलब ग्लास फिश सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे ले रहा है, दे रहा है जावा प्रोग्रामिंग के लिए। जावा प्रोग्रामिंग के लिए आप वैम सर्वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, वैम सर्वर इंस्टॉल करने से हमें क्या मिल जाता है, फ्री में उसके साथ इनबिल्ट माई सीक्वल मिल जाता है, MariaDB मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम तो मेरा ग्लासफिश सर्वर कर लेगा। माई सीक्वल जो है वहाँ जाकर आप देख लीजिए, आपका ये टर्मिनल है और यहाँ जाकर मेरा कोई पासवर्ड नहीं है, मैं एंटर मार दिया। ये देखिए, ये मैंने इसलिए ओपन कर रखा है क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्लियर? तो मेरी सारी चीज़ें अब ऑन हो गई हैं, मेरे पास सारे रिसोर्सेस हैं, अब मुझे इनका इस्तेमाल करना है और अपना प्रोजेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप फाइल में जाइएगा, वहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा और जावा विथ मेवन सेलेक्ट करिएगा, और उसके बाद वेब एप्लीकेशन में जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। क्लियर? नेक्स्ट में जाने के बाद आप कोई भी अपना जावा प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जावा चैट रूम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउज बटन पे जाकर आप ब्राउजिंग करके किसी फोल्डर में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट का लोकेशन आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जाना है, देख लीजिए यहाँ पे ग्लासफिश सर्वर ऐड है कि नहीं, नहीं है तो यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी अवेलेबल ग्लासफिश सर्वर होगा आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है तो मैं इसे नहीं ऐड करूँगा अभी, तो मैं यहीं पे फिनिश कर दे रहा हूँ। और ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि से ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है, वो फोल्डर क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, और उसके साथ साथ बहुत सारे फोल्डर्स बैकग्राउंड में क्रिएट होते हैं, तो थोड़ा सा समय लेता है जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। और ये कुछ देर के अंदर ही मुझे प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दे देगा।
तब तक मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखा देता हूँ कि देखिए कैसे हम लोग रूम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रूम 67, ये रूम देखिए 67 क्रिएट हो गया। यहाँ जाकर मैं किसी को भी मैसेज कर सकता हूँ और एंटर बटन पे क्लिक करूँगा और ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर। यहाँ पे यूज़र का नाम नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यूज़र का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। चलिए देखते हैं, मेरा जो चैट रूम क्रिएट हो गया, जावा चैट रूम। अभी भी ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है ये, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से सब्र बनाए रखिएगा क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और आप लोग बहुत मीठा मीठा चीज़ आप लोग को मिलने वाला है मेरे इस प्लेलिस्ट में। दैट मीन्स टेकिंग टू मच टाइम्स। ओके, मैसेज तो मैंने दे दिया बट नेटबीन्स का कोई रिप्लाई नहीं आया और आई थिंक ये जो मैं कैमटीसीआई यूज़ कर रहा हूँ और मेरा नेट भी ऑन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो मेरा ये जावा चैट रूम मुझे उसने क्रिएट करके दे दिया। एप्लीकेशन नहीं दिया मुझे उसने, मुझे सिर्फ फोल्डर्स दिए, बोला ये सारे फोल्डर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम इसमें काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ जाकर सबसे पहला काम करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं देता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स की एक अपनी छोटी सी स्टोरी है, बताऊँगा मैं, अगर थोड़ा समय मिलेगा तो मैं किसी एक जगह पे मैं बता दूँगा। ये मैंने गलती से फोल्डर क्रिएट कर दिया, मुझे फोल्डर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली मैं JSP का फाइल, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। क्लियर। और यहाँ पे जाने के बाद हमें, क्योंकि ये इस तरह का एक डिज़ाइन बनाना है, ओके मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ, ये डिज़ाइन मुझे बनाना है। क्लियर। ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, इसमें मैंने बहुत कुछ किया नहीं है, बट इसमें बूटस्ट्रैप प्लगइन का मुझे ज़रूरत पड़ेगा थोड़ी थोड़ा सा बटन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा एक आइडिया भी हो कि कैसे अप्रोच किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमें डिज़ाइनिंग का होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है, डाउनलोड वाला जो ये देख रहे हैं बूटस्ट्रैप CDN, यहाँ जाने के बाद मैं ये जो पहला वाला लाइन है मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और सीधा जाऊँगा यहाँ पे और हेड के अंदर कहीं पे भी मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या लगेगा, बूटस्ट्रैप, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, नहीं बूटस्ट्रैप तो हो गया, मैं यहाँ पे लिखूँगा jQuery CDN। क्लियर। अब ये jQuery CDN का CDN जो मेरा यहाँ पर मुझे jQuery CDN, वेट फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो बेटर फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि मेरे को ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिले। यहाँ पे जाकर मुझे ये थोड़ा समय ले रहा है तो मैं इसे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलता हूँ और ये देखिए, तो यहाँ से मिनीफाइड फॉर्म ले लीजिएगा और इसे यहाँ से कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और इसे मैंने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइनिंग करना है, तो मैं काम करता हूँ इस H1 को यहाँ से हटा देता हूँ और टाइटल को मैं यहाँ पे चेंज करके दे देता हूँ लेट्स चैट, या लिख देता हूँ मैं जावा चैट रूम। क्लियर। और मुझे क्या चाहिए, मुझे डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी अपना डिज़ाइन बना रखा था तो उसके कुछ फाइल्स को मैंने अलग कर लिया है इंडेक्स पेज के लिए और चैट रूम के लिए, दो फाइल के लिए डिज़ाइनिंग लगेगा। ये स्टाइल वाला पार्ट है जिसके अंदर CSS का कोड है, CSS आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग, अब क्योंकि अभी का समय का स्टूडेंट लोग काफ़ी एडवांस हो गया है और उनको इसे मैं बाय बाय बोल देता हूँ, ये बहुत समय लेता है गूगल में खुलने में। और मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ और हेड के अंदर में मैं यहाँ पे स्टाइल को डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टाइल डाल दिया, ये मैंने जो स्टाइल डाला ये थोड़ा सा बेसिक सा डिज़ाइन डालेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आगे जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। और फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर नीचे वाला पार्ट चाहिए, बॉडी, बॉडी के अंदर की जितनी चीज़ें हैं मैं उसे यहाँ से कॉपी करके और मैं इस बॉडी में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। क्लियर। ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ये जो डिवीज़न है इसी के अंदर मेरा
जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आएगा। अब मैं इसे एक बार रन करा के देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। और हाँ, रन कराने से पहले ये ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से किसी भी ब्राउज़र को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्रोम को सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे अब रन करा रहा हूँ। ये थोड़ा 8 से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड भी ले सकता है, तो आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। बहुत भारी IDE है ये, कोई विजुअल स्टूडियो कोड की तरह एडिटर नहीं है जिसमें कि खटाखट खटाखट आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये बहुत सारे काम करता है। और ये देखिए, यहाँ पर आपको ये मिल गया। अब मुझे इसके बगल में चाहिए एक आइकन, तो आइकन आपको बहुत खूबसूरत सा यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करिएगा। देखिए, इन सब चीज़ों की कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सब डिज़ाइन पार्ट है और ये डिज़ाइनर लोग अच्छा अच्छा चीज़ बना के रखे रहते हैं। आपको सिर्फ उसे यूज़ करना है। हमारा काम है डेवलपर डेवलपमेंट का, तो हम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया कोड को, हम जाकर सीधा कहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है, लेट्स चैट के बगल में, तो मैंने उस पर्टिकुलर कोड को यहाँ पे डाल दिया। ये एक आइकन का कोड है, क्लियर। अब मैं अपने उस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक आइकन मिल गया प्यारा सा। आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मुझे यहीं से मिल जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और मुझे आईडी, नेटबीन्स आईडी बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। हो सकता है आपको कुछ और अच्छा लगता हो, बट इसमें काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, नहीं, क्लास इक्वल्स टू BG बैकग्राउंड वार्निंग। ओके, अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली एक प्री डिफाइंड क्लास नेम है। ये आप जो देख रहे हैं ना बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप एक फोल्डर है, एक एक फोल्डर, आप इसको फोल्डर की तरह समझिए। मैं आपको सिंपल सिंपल टर्म यूज़ करके बताता हूँ। जैसे C++ में आप लोग हेडर फाइल यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में ना, तो उसके कितने सारे APIs आप यूज़ कर पाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसी तरीके से ये बूटस्ट्रैप का ये जो पर्टिकुलर फाइल है min.css, मिनीफाइड CSS का फाइल है, प्लगइन है। इसको आप ओपन करेंगे ना, तो इसके अंदर बहुत सारे CSS के आपको कोड मिल जाएंगे, डिफाइंड कोड। और उन्हीं में से किसी एक क्लास को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि डिफाइंड है इसका कलर, तो आपको यहाँ पे पीछे में एक बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा आ गया। मुझे इसके नीचे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है और एक बटन लगाना है क्रिएट रूम इस तरीके से, ठीक है। तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स इसके नीचे लगा देंगे और बटन लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म मेरा यहाँ पे फॉर्म का नाम मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं है। ये फॉर्म का टैग ओपन कहाँ से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म ओपन और मैं यहाँ पे एक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्शन हो जाएगा मेरा, अभी मैं डिसाइड नहीं किया हूँ कि मेरा क्या एक्शन होगा, और मैंने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दिया, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनपुट टाइप, टाइप इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा टेक्स्ट, और मैं इसकी आईडी दे देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं देता हूँ रूम नेम, और इसका मैं नेम दे देता हूँ रूम नेम। मैं इसमें एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर 1 मिनट, रूम नेम हो गया। और रिक्वायर्ड मैं लगा देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा मेरा एक्चुअली में नहीं, तो ये सजेशन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सजेशन नहीं काम करने की वजह से समझ लीजिए मैं बिल्कुल ही असहाय हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सिंटैक्स याद नहीं रहता है। प्लेस होल्डर, ओके, मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ एक बार इनपुट टाइप, ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ एंटर रूम नेम, ओके। और उसके बाद मेरा लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब आपको इसमें वैल्यू डालना ही होगा, क्लियर। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे आईडी नेम ये सब भी मैं दे देता हूँ। नेम इक्वल्स टू, नेम क्या है, एक आपका इस टैग का एट्रीब्यूट है, नेम मैं दे देता हूँ रूम नेम। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए आप लोग, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाऊँगा आप लोगों को। ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक सीधा सा प्यारा सा बटन लगा देता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ओके।
तो ये देखिए मुझे सबमिट मिल गया, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, और बाय डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो सबमिट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्रिएट रूम, ओके, और रूम का मैं और छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी आईडी, फिलहाल मुझे इसकी आईडी लगेगी नहीं, बट मेरे को आदत सी हो गई आईडी देने की, तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ क्रिएट रूम। क्लियर, आईडी मैंने क्रिएट कर दिया। अभी मुझे इसे जाकर एक बार रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, वो इसको मैं हटा दूंगा अभी। यहाँ पर इस तरह से ठीक ठाक सा आ गया है, और मुझे क्या करना है, इसे फ़िलहाल यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये एक यूज़लेस चीज़ है। और मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना होगा, तो मुझे CSS, जो मेरा बूटस्ट्रैप का 5 प्लगइन है, मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास इक्वल्स टू, ये जो मैं, आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये कहाँ से याद आ जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बूटस्ट्रैप आप सीख लेंगे। यानी कि अगर आप चाहें तो आराम से पर डे 1 घंटा पढ़ के 10 दिन के अंदर आप बूटस्ट्रैप का बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल फॉर्म कंट्रोल, ओके, ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है। यहाँ पर मुझे फॉर्म कंट्रोल मिल गया, क्लियर। अब मैं अगर जाकर उस चीज़ को थोड़ा रिफ्रेश करूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से वो मिल जाएगा। थोड़ा समय ले रहा है, इसके साथ यही एक प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो फिर मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करके और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। ये अभी भी इसका आउटपुट नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार इसमें खोलने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसमें फटाफट आ गया, तो मैं अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं करूँगा। तो ये देखिए मुझे इस तरह से मिल गया। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, कलर किस तरह का दिख रहा था इसमें आप देख लीजिए, ये आपका, इसको इन्फो कलर बोलते हैं बूटस्ट्रैप में। तो मैं इसका कलर यहाँ जाके चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। कलर मैंने यहाँ पे दे देता हूँ BG इन्फो कलर। अब मैं इसे जाकर यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मुझे ये कलर मिल गया। बाकी सब तो ठीक है, आप इसको और भी अच्छा से बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इसकी मार्जिन है, इसकी मार्जिन को भी हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। ये जो मेरा क्रिएट रूम है, जो मैंने आईडी दिया था, ये देखिए ये आईडी, अब इसका हेल्प से यहाँ पर काम हो सकता है। क्रिएट रूम विड्थ है, ये है, मैं मार्जिन इसका दे देता हूँ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। इस पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कोई कोड नहीं दिया है। इसके अंदर जाके मुझे फॉर्म का जो एक्शन है, इस एक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट फाइल जो बनने वाला है, वो है क्रिएट रूम डॉट JSP, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूम क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक रूम क्रिएट करेंगे विद प्रॉपर वैलिडेशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर मुझे आपको पसंद आया है, और कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर काम करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।